आज के दिन अगर किसी को भी मेरे वजह से कोई दुख दर्द या तकलीफ हुआ होगा, कसम से मैं बोल रहा हूँ कि कल दिल से आकर के मेरे को सॉरी बोल दे। हे गाइस, आज फर्स्ट टाइम जो है बच्चों का टाइम मैंने चेंज करा है सुबह में 6 बजे, इस वजह से बच्चे आए जिसकी वजह से मुझे इतना सुबह उठना पड़ा। अभी बच्चों का ट्यूशन ओवर हुआ, अभी सब चले गए, मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए स्कूल के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आज से जो है मैं ये मिनी ब्लॉग डेली बेसिस पे डालूंगा, कि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं कुछ लंबा वीडियो बनाऊं, क्योंकि लंबा वीडियो बनाना और लोगों को देखना भी पसंद नहीं है, देखा जाए तो बोर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने दिन भर का जो भी काम है और मेरा जो डेली लाइफ है वो मैं 2 से 3 मिनट में आपको दिखा सकूँ। तो चलो अब स्कूल के लिए रेडी होते हैं। गुड मॉर्निंग कन्हैया जी। चल भाई, 3 टीचर तो आए हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा लग ना, देखो क्या हो रहा है, कैमरा भी। और देखो पानी यहाँ पे पटाया गया, मतलब ग्राउंड में। मिला है लेजर, और चलिए अब लेजर में कुछ कॉपी है तो चेक कर लेने के लिए। ये देखो यार, बच्चे लोग हैं जो अपना कॉन्वोकेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मेरा लीजर है जिसकी वजह से मैं थोड़ा बाहर आया हूँ। अभी वो है लंच और मैं चला लंच करने, इसके बाद एक और पीरियड मेरा जो है लीजर है। भाई अब छुट्टी हो गया है, देख लो टाइमिंग, तुम लोग देख लो टाइमिंग क्या हो रहा है। यो दादा, टाइम है 3:35 नाउ। अब चले घर। ये देखो भाई लोग, डेकोरेशन का काम चल रहा है। कल जो है बच्चों लोग का कन्वोकेशन है, प्री स्कूल वाले बच्चे, प्री प्राइमरी वाले प्राइमरी में आएंगे, इस वजह से तो यहाँ पे सभी लोग जो है वो डेकोरेशन में बिजी हैं। पीछे से ये अपना स्कूल, चले हम घर की ओर। तो चले अब अपने ना जाओ, स्कूल से घर पहुंचे हैं अभी जस्ट, और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो कुछ बात कहना चाहता हूं कि देखो, अगर आज का दिन, चूंकि फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था कि पूरा मैंने होल ब्लॉग कराया स्कूल से लेकर के अभी तक यहां तक, घर से निकलने से लेकर के आने तक, तो मज़ा तो आया काफ़ी ज़्यादा, और अंदर से यू नो एक्साइटमेंट भी ज़्यादा था कि वीडियो कैसा बना होगा नहीं बना होगा। दूसरी चीज़ यार मैं कन्फेस करना चाह रहा था कि आज के दिन अगर किसी को भी मेरे वजह से कोई दुख दर्द या तकलीफ हुआ होगा, कसम से मैं बोल रहा हूँ कि कल दिल से आकर के मेरे को सॉरी बोल दें, क्योंकि कुछ अगर आप लोगों को तकलीफ हुआ है ना तो उसमें गलती आप ही का होगा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो यार अगर ऐसा कुछ है तो कल आकर के सॉरी बोलो और मामला यहीं पे ख़त्म करो, टेंशन नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को मैं हर्ट करूं, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।